money back! सॉरी बोलो। सॉरी भाई। मिमी चलो। मिमी जी माँ, ये सामान किसका है? इस टाइम कौन आ गया? आई डोंट नो, कहीं उम्मीद फिर से तो नहीं आ गई? हाँ हो भी सकता है, क्योंकि फरजाद भाई ने जितनी पाशा साहब को उसकी शिकायतें कर दी थी ना, निकाल ही दिया होगा उसको घर से। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद नहीं, प्लीज प्लीज उसे फौरन मना करो। तो ये जो एके के साथ होता है, बात सुनो, एके साहब का है? मैं यहाँ हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए। कि तुम? आपका अपना घर है, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप लोग मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे? अरे नहीं, मैंने तो कितनी दफा तुमसे कहा है कि अकेले क्यों रह रहे हो, जब तक भाई और भाभी पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते तुम हमारे साथ ही रह लो। शुक्रिया निको जी, आपको मेरा एहसास है। मैं तो पहले गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान हूँ, मेरा तो खानसामा भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। आपको एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? लेकिन मुझे एतराज है। सॉरी, लेकिन असद यहां नहीं रह सकता। बीबी ऐसे तो नहीं कहते? माँ ये ना कोई काम खुद सीरियसली करता है ना मुझे करने देता है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। भाई मेरे घर गैस नहीं आ रही, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, मैं चला जाऊं? नहीं, एक एक कहीं नहीं जाओगे, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ एक काम क्यों नहीं करती, उम्मीद को भी आप यहीं बुला लें। उठ जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। जी बिल्कुल। अब आ ही गए हो एक, तो फरजाद की शादी जरूर अटेंड करके जाना। जरूर। What? ये इस सब में मेरी शादी कहां से बीच में आ गई? भाई वैसे ही जैसे आपकी हर बात में उम्मीद का जिक्र आ जाता है। आपको पता है मुझे उम्मीद और शादी दोनों से छेड़ा है। भाई बस कर दे उम्मीद की बुराइयां करना। Oh my goodness! अब तुम दोनों उम्मीद का टॉपिक लेके आपस में चिक चिक मत शुरू कर दो। अरे यार तुम लोग अपने ये फैसले बाद में करते रहना, फिलहाल ये बताओ कि शायर कहां जाए, यहां रुके या यहां से चला जाए? फाइन, अब आ ही गए हो तो रह लो यहाँ, लेकिन इस घर के डिसिप्लिन का ख्याल रखना। और हाँ, ये जो उम्मीद से तुम्हारी मुलाकातें हैं ना, ये जरा बाहर ही करना। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन उम्मीद की कहानी क्या है? बस मेहरबानियाँ इन मोहतरमा की चहेती दोस्त की। यानी उम्मीद की? उम्मीद ने क्या किया? यू विल नॉट बिलीव इट, उपटन का पूरा भरा हुआ थाल फरजाद के ऊपर उलट दिया। वल्लाहु आलम क्या सीन होगा, बहुत ही अजीब ही लग रहे होंगे यार। मिमी नहीं नहीं, अच्छे लग रहे होंगे यार, रिलैक्स। अच्छा कोई कॉफी पिलाएगा मुझे यार, इसी बहाने जरा मजा आ जाएगा, दो और बातें कर लेंगे, क्या ख्याल है फरजाद? बहुत देर हो गई है, सुबह ऑफिस में मिलते हैं। Good night. इसकी फिक्र मत करो, ये उम्मीद की जब भी बात होती है ना इसका मूड ऑफ ही रहता है। सीरियसली? हाँ, बट डिटेल्स फिर कभी बताऊंगी, अभी मैं कॉफी बनवाती हूँ। थैंक यू निको जी, बहुत शुक्रिया। आज फरजाद के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे,
क्या कुछ कह गया उम्मीद के लिए, अब किस किस बात पे डांटूं इसको। ओहो कमाल पाशा, क्या हो गया ये, तुम आए दिन बहाने ढूंढ ढूंढ कर मेरी बच्ची को डांटते ही रहते हो। अगर उसने उपटन लगा लिया तो क्या हो गया, हमारे वक्तों में तो ये रस्में सारी सारी रात चला करती थी। तो उपटन लगाती ना, उपटन सारा उंधेल दिया उसने। अरे माना कि थोड़ा सा ज्यादा उपटन लग गया, लेकिन क्या अब तुम इसकी जान ही ले लोगे। वैसे पाशा साहब बाबूजान ठीक ही कह रही हैं, डांटना हल नहीं है, उम्मीद पे ना जिम्मेदारी डालने की जरूरत है, और उससे पहले के सारे पैसे खर्च कर दे इसकी शादी करा दे। ये अपना करियर बनाना चाहती है। चाय का ढाबा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जीनत तुम शादी दफ्तर वालों से बात करो और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको रुख्सत करो बस। लेकिन एक हफ्ते बाद तो मेरी मीटिंग्स स्टार्ट है, मेरा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है ना। तो लाहौल वाला कुवत आगू जान, देख लिया आपने, इसकी ऐसी हरकतें रही तो इसको खाला के घर भेज दूंगा मैं। खाला कराची में नहीं है। कराची में होती कब है वो। अरे छोड़ो ना कमाल पाशा इन सब बातों को, समीर तुम जल्दी से बताओ कि तुम हया से क्या कह रहे थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उम्मीद तुम्हारे बारे में अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। मैंने वहां जाना है। अच्छा अल्लाह जी अब क्या होगा, डर तू जला दू आई बला तू टाल दू। उम्मीद तुम्हें ये बिजनेस वाला शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता भी है सारे अमीर लोग बिजनेस करते हैं, वर्ल्ड टू वर्ल्ड पे जाते हैं, और मेरा तो ये पुराना ख्वाब है कि मैं बिजनेस करूं, वर्ल्ड टू वर्ल्ड पे जाऊं। बस सिर्फ मल्टीपल वीजा लगने की देर है, जो कि मैंने ट्रैवल एजेंट को बोलकर लगवाने के लिए दे दिया है। उड़ा दो सारे पैसे, तुम्हें वैसे भी सुकून नहीं आएगा जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। तुम बेफिक्र आओ, मैं ये पैसे खत्म होने से पहले इन पैसों को डबल कर लूंगी। वैसे जो आज फिरजाद कहानियां सुनाकर गया है ना, मुझे नहीं लगता कि पाशा साहब तुम्हें कुछ करने देंगे। तुम बेफिक्र आओ, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी नानी। खुदा के लिए एक नया मसला ना खड़ा करना, समझाओ ना आया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों सुबह से जल कुकड़े बने सबको काट बल्कि कच्चा खा जाने के लिए दौड़ रहे हो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल ट्रैवल एजेंट्स भी फ्रॉड होते हैं। बस समझाना, कभी बहन का साथ मत देना, और तुम अपनी हरकतों से कभी बाज ना आना। बाबा तुम्हारी शादी तय करके ही रहेंगे, पता है ना। हाँ पता है सुन लिया था। लगता है उसने मुझे याद किया। कॉल करता हूं। हेलो हेलो, लगता है मैं आपके ख्वाब ख्यालों पे छा ही गया हूँ। उम्मीद जी आप मुझे इस कदर याद करती हैं। आपका दिमाग तो ठीक है या मेरे सर पर रातों रात सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी। अरे आप माने या ना माने, ख्वाब ख्यालों पे किसी का इख्तियार नहीं होता उम्मीद जी। आपका मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं बल्कि बिगड़ गया, क्योंकि जैसे याद करने से मूड ही खराब हो जाए ऐसा फजूल सा ख्याल है आप, और मैं फजूलियत में नहीं पड़ती। हैं? यानी आप नहीं थे वो? ऐ खुदा, थोड़ा सा तो हिचकियों में फट डाला होता, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हसीना ने मुझे याद किया। जी मैं वो हरगिज नहीं थी, क्योंकि जब मैं
मैं आपको याद करूंगी ना तो इतना याद करूंगी कि आपको हिचकी नहीं बल्कि सीधा दिल का दौरा ही पड़ेगा। अमित जी आपकी इसी बातों की वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है। हाँ मेरा मूड। अरे अमित जी रहने दीजिए। मुझे मालूम है आपकी नींद तो आजकल सिर्फ पाशा साहब की डांट की वजह से खराब हुई है ना। अच्छा तो सुनगुन लेने के लिए उसने तुमसे कॉल करवाई है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों मिले हुए हो। हाँ पड़ गई डांट, बता देना उसे कि खुश हो जाए। मगर उसे एक बात और बता देना, ये जो पाशा साहब के सामने मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं भी देख लूंगी उस चंगेज खान के भतीजे को। अरे मैंने खुद आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया है, चाहे तो आप मुझसे कसम उठवा लीजिए। बस बस रहने दो, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं बल्कि मेरी हालत का मजा लेने के लिए तुमने कॉल की। मगर मैं तुम्हें बता दूँ मैं बहुत मजे में हूँ। और उससे बता देना कि जितना मर्जी पाशा साहब के कान भर ले शादी में हरगिज नहीं करूँ। शादी? फोन भी रखे क्या पे रुके। भाई मुझे तो डर लगता है उससे। डर लगता है? अम्मी वो कोई पिछल पैरी जिन भूत चुड़ैल या बदरू है क्या? इतनी खूबसूरत तो है। हाँ, बहुत खूबसूरत बला है। अच्छी तरह देख परख कर आई हूँ, इतरा तो ऐसे रीति जैसे कोई शहजादी हो। खैर इतना पैसा होता है तो नखरा ही जाता है। अम्मी जब हुसन और दौलत एक साथ हो ना तो नखरा भी जचता है, और मैं हूं ना सारे नखरे उठाऊंगा उसके। उसकी काहिली का क्या करोगे, सुनाए उठ के खुद एक गिलास पानी भी नहीं पीती। तो मैं पिला दूंगा पानी, पानी पिलाना भी तो सवाब का काम होता है। शाबाश, माँ के लिए तो कभी ये सवाब कमाने का ख्याल नहीं आया और उसके लिए बावले होए जा रहे हो। इसलिए मैं उस उम्मीद को अपनी बहू बनाने के हक में नहीं हूँ। मेरे लिए तो वो मासूम सी हया ही ठीक है, कम अज कम आके मेरी खिदमत तो करेगी ना। चलो अब तुम चल के नाश्ता करो। ठीक है, तो बस भाई मैंने भी कसम खा ली है, जब तक आप उम्मीद के लिए राजी नहीं होंगी मैं भी भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। वाह वाह, और रात को मेरे सोने के बाद जो तुमने दो डिब्बे पिज्जा के ठूसे हैं वो क्या तुम्हारी भूख हड़ताल में जायज थे? क्या यार अम्मी आप भी इंसान हूँ, लग गई भूख। लेकिन जो बात है वो है भाई, मैं शादी नहीं कर रहा। वो लड़की मायूस बैठ चुकी है और तुम्हारे सर से उम्मीद का भूत ही नहीं उतर रहा। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, इस बात को ना जरा ठंडे दिमाग से सोचे। उम्मीद घर आएगी, साथ एक दो करोड़ रुपया लाएगी, उस एक दो करोड़ से हमारे घर के हालात बदलेंगे, घर के हालात बदलेंगे जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी मजे आएंगे। और हया का क्या होगा? हया से मैं कर लूंगा ना बात, पहले आप तो राजी हो जाएं। राजू तुमसे कहा भी था कि तेज चलाओ गाड़ी, अब देखो ना 9 बजने वाले हैं। बस उम्मीद बाजी, दो मिनट दे दे। दो मिनट नहीं, वो 2 सेकंड भी घड़ियाल नहीं रुकता। अगर 9 बज गए ना तो ऑफिस के लिए निकल जाएगा, और आज मुझे नवाबजादी की ना तबीयत दुरुस्त करनी है। फिकर क्यों कर रही हूँ उम्मीद बाजी, राजू है मेरा नाम, अब आप देखें मेरी स्पीड है। आराम से ऊपर नहीं पहुँचना, घर पहुँचना है। पहुँच गए। खुदा हाफिज़ माँ। फरजाद नाश्ता कर लो। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, मूड थोड़ा खराब है, 15 मिनट लेट हूँ, बाय। अरे कभी कभार देर सवेर हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नहीं समझेंगी। समझाओगे तो समझ जाऊंगी। कि जिस दिन भी मेरा उम्मीद से सामना होता है मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। ओके बट ब्रेकफास्ट इज रेडी। फरजाद लो जी, कई भैंस पानी में, मैंने सोचा था इसके 14 तबक रोशन करूंगी आकर, मगर आज मेरी क्लास हो जाएगी। और अरे 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 Thank you.
इतना बाहर आते हैं? बाहर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपको बता दूं, गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है। अच्छा बाहर आओ। बाहर तो मैं आ गई हूँ, मगर आपको बता दूं कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से। जी अच्छी तरह जानता हूँ, आपको सिर्फ डराना धमकाना और दूसरों की जिंदगी में तहलका मचाना आता है। खैर कल रात की कोई कसर रह गई थी तो आज यहाँ फिर नाजिल हो गई है। बात सुने, कल गलती ना आपकी थी, पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए थे, और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने आपके सड़े हुए मुंह पर उपटन लगाया था, तभी तो देखे ना कितना ग्लो कर रहे हैं, आज चेहरा अच्छा लग रहा है आपका। तुम्हारे उस जहरीले उपटन की वजह से ना मुझे रात को हाइड्रा फेशियल करवाना पड़ गया था, ये उसकी ग्लो है। पता नहीं हाथ भी धोए हुए थे या नहीं, कौन से जरासीम है तुम्हारे हाथों में, पूरी रात मुझे खारिश होती रही है। खैर जो भी है, गलती मेरी नहीं थी। जी मेरी ही गलती थी, ये भी मेरी गलती थी। हाँ तो आपको खुद ही शौक है टकराने का मुझसे। What? आपको अंदाजा भी है आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है और कितनी बार हुआ है? पहले मेरा फोन, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स, फिर मेरा लैपटॉप। आपकी वजह से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसका हिसाब कौन देगा? मेरी वजह से? जी आपकी वजह से। आप जो पाश साहब को मेरी शिकायतें लगा कर गए ना, आपको पता है पाश साहब ने कितना डांटा है, घर में मेरे खिलाफ महाज खड़ा हो गया, और जल्दी काले पानी की सजा सुना दी जाएगी मुझे। गुड, अभी तक तो इतनी शिकायतें नहीं लगाई थी, लेकिन जो ये मेरी गाड़ी का नुकसान किया ना, इसकी तो तुम देखना मैं कैसी शिकायत लगाता हूँ। हाँ आपका तो काम ही है जल्दी पर गैस छिड़कना। आप एक काम करें ना, शो को स्पॉन्सर करना बंद कर दे, गैस की कंपनी खोल दे, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। और हटे मेरे रास्ते से, मुझे मिमी से मिलना है। मिमी घर पे नहीं है, और आप जरा उसे कम ही मिला करें। क्यों? दोस्त है वो मेरी, मिलूंगी मैं, क्यों कम मिला करूं? पहले उसके भाई से तो मिलने। मेरा मतलब है कि ये जो मेरा नुकसान किया इसकी सेटलमेंट करें पहले, अभी। हाँ तो ठीक है, मैं सड़क पर खड़े होकर बात नहीं करती किसी से, अंदर चल के बात कर। अंदर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे ऑफिस के रास्ते में एक कॉफी शॉप है, वहां पे बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। कॉफी नहीं पीती मैं। हाँ तो हम चाय पी लेंगे। ठीक है आइए। अरे उम्मीद तुम कब आई हो? मिमी बेटा घर पे थी, आपने बताया ही नहीं, आप सुबह मुझे मिली भी नहीं, मैंने आपको मना किया ना घर पे छुपके नहीं बैठते, चलो अपनी दोस्त को लेके जाओ जल्दी से, जाके उनसे बातें करो। आइए उम्मी। मतलब कोई लिहाज होता है, कुछ शर्म होती है। एक तो माइयों के इवेंट में आके उन्होंने माइयों खराब की, ऊपर से पाशा साहब को अलग वर्ग लाया मेरे खिलाफ, और अब तुम्हें भी बात करने से मना किया है। उम्मीद तुम भाई की बातों को सीरियस नहीं लिया करो ना। यही तो मसला है कि वो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेते। मैं ना सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करी, वरना उनको ना उनकी नौनी चची दादी सब याद करवा देती। और बता देना अपने भाई को कि सिर्फ अच्छी शक्ल सब कुछ नहीं होती, बल्कि अच्छी सीरत मैटर करती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा साथ और अच्छी चाय किसको नहीं चाहिए, मिमी एक कप मेरे लिए भी बनाना। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों बैठे, मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। उम्मीद लगता है मैं आपके होशोवास पे मुकम्मल तौर पर छा चुका हूँ, क्योंकि सुबह से ये जो हिचकियाँ हैं इन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। आपकी तबीयत तो ठीक है, ये रातों रात मेरे सर पर सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी। देखिए ख्वाबों और ख्यालों पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं होता ना, आपका भी मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं, बिगड़ गया। मूड बिगड़ा है, इसकी वजह भी हमें पता है, पाशा साहब की डांट सुनने की वजह से आपका मूड खराब हो गया होगा, है ना? ओ, तो उस मीसने ने आपको भी सारी रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो पहले ही पता था कि आप दोनों मिले हुए हैं। हाँ पड़ी है डांट, हो जाए खुश, मगर उस चंगेज खान को ना बता दिएगा कि
कि वो जो सबके सामने रात को मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं देख लूंगी उसे। अरे उम्मीद, मैं तो खुद उस चंगेज खान की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, आपके साथ क्या किया उस चमगादड़ ने? अरे टाइमिंग्स के पीछे पड़ा रहता है, कहते हैं डिसिप्लिन हो जाओ, टाइम से उठो, टाइम से काम पे जाओ, टाइम से खाना खाओ। अरे भाई बाबा, तुम्हारी जिंदगी अगर इतनी अजाब है तो हमारी जिंदगी को क्यों अजाब बनाया हुआ है? खुद को पता नहीं मिस्टर परफेक्ट समझता है। हाँ वही तो, दिमाग उसका ना सातवें आसमान पर रहता है, मगर मैंने भी ठान ली कि उसको जमीन पर लैंड करवा कर ही रहूंगी। डन, इस चीज में तो मैं तुम्हारे साथ। वैसे आपका गेम शो कब आएगा? क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग आपके फैन चल रहे हैं सिवाय पाशा साहब। रियली? तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बार मैं पाशा साहब को अपना फैन बना के रहूंगा। पानी पी लेना जाके। हाँ मिमी, पानी ले आओ। मिस महक, मिस महक, मिस महक। जी सर। क्या देख रही हैं? कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? वो एक्चुअली सर आपके चेहरे पे काफी निखार आया हुआ है, कहीं आप उपटन तो नहीं लगा रहे या वो सागुदानी की वजह से? क्या स्केड्यूल बताया मेरा? जी सर। सर अभी आपकी फाइनेंस वालों के साथ एक मीटिंग है, फिर एक छोटा सा टी ब्रेक है, एंड देन कुछ नई कोटेशंस आई हैं जिसके ऊपर आपके आपको अप्रूवल्स देने हैं, फिर आपसे नासिर साहब मिलने आ रहे हैं, एंड देन उसी के साथ आपका डिनर भी है। होल्ड ऑन, ये नासिर साहब वाला डिनर कैंसिल कर दें, मैं कहीं और डिनर पे जा रहा हूँ। मिस रीना के साथ? हम्म, ये आप क्यों पूछ रही हैं? सर वो क्या है ना, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। गॉड, ये माँ ने आपको पता नहीं क्यों बुला लिया यहाँ पे। सर आपने भी कॉल की थी। मैंने आपको अपने ऑफिस मैटर्स संभालने के लिए बुलाया था, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। जी सर, सॉरी सर। वैसे बॉसेस को ना इतना हैंडसम भी नहीं होना चाहिए। अगर ये मिस रीना के साथ नहीं जा रहे, फिर किसके साथ जा रहे? अभी मैम निकट को कॉल करके बताती हूँ। क्या वीजा रिजेक्ट हो गया? नहीं नहीं प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं सबको बता चुकी हूँ, बहुत बेइज्जती हो जानी है। कुछ तो करें, क्या कुछ नहीं हो सकता? तो फिर आप मेरी सारी फीस के पैसे वापस करें। नहीं हो सकते वापस? मतलब मेरे इतने ढेर सारे पैसे डूब गए? देखें कुछ तो करें। जी जी पैसों का मसला नहीं है, बस ये जो सबके सामने बार बार बेइज्जती होती है ना, उससे जान जाती है मेरी, समझ रहे ना आप? कोई तो तरीका होगा, कुछ तो करें। देखिए मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ ओके। क्या हुआ? होना क्या है? जब भी वो बागड़ बल्ला मेरे सामने आता है ना, मेरी जिंदगी में अगले दो दिन अच्छे गुजरते ही नहीं है। अगर तुम फरजाद को इल्जाम देने के बजाय ना ट्रैवल एजेंट को जाके चेक कर तो अच्छा होगा। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है उम्मीद। तुम्हें क्या पता, तुमने कभी ट्रैवल किया है क्या? हाँ हाँ, तुम तो वर्ल्ड टूर करके आ रही हो। ठीक है या? अब तुम भी मुझे ताने मार लो। एक तो पहले उस बागे बिल्ले ने मेरी और मीमी की स्पीकर पर बातें सुन ली, फिर बिला वजह मुझसे आके टकरा गया, पाशा साहब के कान अलग भर के गया और बेइज्जती अलग करवाई मेरी, ऊपर से उस गालिब से मुझे फोन करवा के अलग तंग करवाया, वीजा भी रिजेक्ट हो गया है, और अब तुम भी मुझे ताने मार रही हो। अच्छा बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे तो कोई फ्रॉड लग रहा है, प्लीज उम्मीद छोड़ दो। हाँ प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ, वैसे मेरा नन्ना मुन्ना तो छोटा सा दिल तुम्हारे जाने की वजह से बहुत परेशान है। एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे उस माकूल का कोई एक्सीडेंट टाइप हो जाए और तुम्हारी शादी रुक जाए? उम्मीद अल्लाह को मानो, पागल हो गई हो? अगर तुम्हें उस माकूल की इतनी फिक्र है तो देवदास की हीरोइन क्यों बनी हुई हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। सोच लो, अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास हर मसले का हल होता है। तो फिर मेरा भी मसला हल कर दो। अरे हजार काम है और एक मैं अकेली जान, शादी का घर है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अम्मी आप मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ कोई काम। चार दिन रह गए तुम्हारी रुख्सती में और तुम्हारे किचन के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे।
कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, चुप करके बैठी रहो। उम्मीद है ना करेगी सारे काम। और वैसे भी कि तुम दोनों कमरे में घुसी हुई क्या बातें करती रहती हो? तंग आ गई हूं तुम दोनों की इन बातों से। बातें हैं कि शैतान की आंते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वैसे चाची अब आप आ चुकी हैं तो बातें तो वैसे भी नहीं हो सकती। मुझे बताते क्या काम है, मैं बुला लेती हूँ गुड्डी को। हाँ तो बुलवा लो ना फिर। आए बताए क्या काम है। आए मसले है ना इस घर में। हेलो मिमी, ना मिलाकर उदास लोगों से कहीं तेरा मेकअप उतर ना जाए। सॉरी मैं मेकअप नहीं करती। मेकअप नहीं करती? आपके होंठों का रंग बचपन से ऐसा, सो नेचुरल। लेकिन आपकी सहेली आपके भाई का खूब मेकअप करती है। ये आपको बात बात में मेरी सहेली कहां से याद आ जाती है? वो क्या है कि मैं अल्लाह रखा वो अल्लाह रखी, शायद अल्लाह ने इसी वजह से मेरे लिए बना रखी। नहीं? उम्मीद ये दुबई पाकिस्तान के कौन से सूबे में है? आगू जान दुबई पाकिस्तान में नहीं है। है? या अल्लाह, हमारे वक्तों में तो लड़कियों को मगरिब के बाद घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं होती थी और तुम मुल्क से ही बाहर जा रही हो। आगू जान उम्मीद कहीं नहीं जा रही है, इसका ट्रैवल एजेंट है ना उसकी नियत बदल गई है, सारे पैसे खा गया। कोई नहीं आगू जान, उसने कहा है कि वो ट्राई कर रहा है, आप बस दुआ करें। अच्छा हाँ ठीक है दुआ कर दूंगी। अब उम्मीद तुम ये दुपट्टा तो एक बार देख लो, इतनी फीकी लेस लगी हुई है उसमें। ये तुम क्या कर रही हो? आगू जान मैं अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रही हूँ। अच्छा चलो जो भी बना रही हो ना बस जायकेदार बनाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरी डायरी में से देख लो, उसमें बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं। अच्छा बनाऊंगी। ये तो अल्लाह जाने क्या कर रही है हया। तुम एक काम करो, समीर को जाकर ये दुपट्टा दो और उससे कहो कि ठीक करवा कर लाए। आगू जान अब समीर से खुद ही कह दे मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों? अरे भाई समीर इससे नाराज है, इसने उसकी बात जो पाशा से नहीं की। कौन सी बात? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि आज मैं पाशा से समीर की बात करके ही रहूंगी, आखिर मेरे बच्चों का मामला है। उठो उठो उम्मीद, गुड़िया। क्या बात हुई है? जान आराम से। हाँ हेल्प करूं? नहीं 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 मैं खुद जाकर बात करूंगी। नहीं आप बैठ जाएं आगू जान। अरे छोड़ो मुझे, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या बात करनी है आगू जान ने? ओह मेरा काम बीच में रह गया है। और कुछ समीर आई वांट मैसेज। नहीं मैं तुम्हें समझाता हूँ जी, मुझे ना मैसेज करना है कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई अच्छा सा जुमला बताओ, मैंने अंग्रेजी में लिखना है। I'm feeling unwell. I can't go to the office tomorrow. No, feeling well, not office, not coming office. हैं? ठीक हो गया ना? बस इसको जरा लिख दो यार। ओ हाँ, जी बिल्कुल। आशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात को ना जरा ध्यान से सुनना। आगू जान, वलीद कल नहीं आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसकी खैरियत पूछ सके, वो क्या सोच रहे होंगे? वाह कमाल पाशा वाह, सारी दुनिया क्या सोचती है इस बात की बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी अपनी औलाद के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात की खबर है कि नहीं? आपकी लाडली के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। अब मैंने फैसला कर लिया है, जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं उसे रुख्सत कर दूंगा। अंडरस्टैंड रुख्सत जी, वेडिंग। हाँ मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि उम्मीद से तुम्हारा आग और पानी का बैर है, लेकिन समीर के अंदर क्या चल रहा है इस बात की फिक्र है कि नहीं? क्या समीर क्या हुआ है? What?
कुछ नहीं। अरे उस बेचारे से क्या पूछ रहे हो, वो तो पहले ही बहुत डरा और सहमा हुआ है। मुझसे पूछो उसकी हालत। वो बेचारा अंदर ही अंदर कितना सहमा हुआ है, खुद को तनहा महसूस करता है, अकेले में छुप छुप कर रोता है ये बेचारा। छुप छुप के? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम चुप करो ना, मैं बता रही हूँ। इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है, तुम सारों को तो कोई ख्याल नहीं आना, इसलिए आज मैं ही सबको बता देती हूँ। क्या हो जान, बताए ना। हिलाल पाशा, बहू उम्मीद, हया जल्दी आओ। जी क्या हुआ? तुम सारे कान खोल कर मेरी बात सुन लो, मुझे इस घर में एक पोता चाहिए। क्या? पोता के तोता? अपने कान साफ करो, पोता कहा है मैंने। और कमाल पाशा, तुम अपनी शादी की फिक्र करना शुरू करो, उम्मीद की शादी की फिक्र छोड़ दो। बस मुझे पोता चाहिए। समीर, नहीं मुझे कोई भाई ये कुछ नहीं चाहिए। मगर मुझे तो पोता चाहिए ना भाई। अरे इस घर में तो ड्रामे खत्म नहीं होते, खबरदार जो तुमने पोते का माइंड बनाया तो। माइंड? लो भला, इसमें इतना गुस्सा करने वाली आखिर कौन सी बात है। भैया और उम्मीद को ही देख लो, आपस में दोनों की कितनी दोस्ती है। क्या मेरे मासूम समीर का कोई हक नहीं कि इसका भी कोई छोटा भाई हो, जिससे इसकी दोस्ती हो, उसका हाथ पकड़कर ये उसे घुमाने के लिए लेकर जाए। बताओ मुझे हिलाल पाशा और बहू। आगू जान बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, मैं तो आगू जान के साथ। ये जो हर वक्त इतने सड़े हुए रहते हैं ना, दूसरी बीवी के आने के बाद थोड़े नॉर्मल हो, और मुझ पर से तो ध्यान बिल्कुल हट जाएगा इनका। और सौतेली माँ के साये में पल कर सचमुच की सिंड्रेला बन जाऊंगा। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना आगू जान? क्या बोल रही हो लड़की? खबरदार, मुझे इस उम्र में जेठानी नहीं चाहिए। मगर मुझे छोटा भाई चाहिए और मामा।